सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली हिंसा मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कोलकाता हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पीड़ित महिलाओं की तरफ से एक वकील ने दायर की थी। याचिका में मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले पर पहले ही स्वतः संज्ञान लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देते हुए सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और राज्य सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। संदेशखाली मुद्दे पर घिरी टीएमसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ा राहत देने वाला रहा। कोर्ट ने पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी के नोटिस पर रोक लगा दी और मामले की सुनवाई से भी इनकार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में केंद्रीय बल की तैनाती की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बोलें, मणिपुरের সঙ্গে সন্দেশখালির তুলনা চলে না। হাইকোর্ট জানিয়ে দিল যে সন্দেশখালিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কোনো প্রয়োজন নেই।